श्री प्रीतम सिंह जी रिहल का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। वह कृपा सतगुरु जी को नमस्कार करें, इसी में ही उनका अभिनंदन आ जाता है और उनकी हाजिरी आ जाती है। नरोबी की नामधारी संगत के सेक्रेटरी श्री हरभजन सिंह जी सीरा भी पधारे हैं, वे भी सच्चे पातशाह जी को नमस्कार करें, इसी से उनका हमारी तरफ से अभिनंदन होता है। श्री सीरा जी, अब श्री युग पंडित गोपाल सिंह जी की सेवा में विनती है कि वह कृपया मंच पर पधारें और अपना विख्यान कथा कीर्तन संतों के समक्ष रखें। श्रीयुत पंडित गोपाल सिंह जी, कल शाम आपने कीर्तन श्रवण किया था जो हमारा क्लासिकल शैली में होता है, और ये भक्ति शैली में जो बाप की परंपरागत शैली है, ढोलक झांझ मजीरे इत्यादि से जो पुरानी रीति है कीर्तन की, उस द्वारा आप कीर्तन श्रवण करिए श्रीमान पंडित गोपाल सिंह जी से। Thank you.
मैं थाके जा कौन जिनका राम बसा मरमा यहाँ मरमा आया। मुख से कहना भी अच्छा है लेकिन मुख से कहने का वो थोड़ा फल होता है। मरमा है जो है एक चित्त जिनके छिड़ के आयो काल भाग के बीजना। तो राम कि मैं क्या कहूं मैं आपसे, हजार दफा आपने सुनी है, रात को भी वो मेरे मित्र राजेंद्र सिंह कमल जी ने गुजराती बोली में थोड़ा सा राम का विश्लेषण किया था। मैं आपको अर्ज करता हूं कि जब लंका को फतेह करने के लिए नारदीय जो विश्वकर्मा जी के सुपुत्र थे उन्होंने पुल बनाया तो महाराज एक दफा विजरते विजरते सैर करते करते उस पुल के बराबर चलेगा बैठ गए। सारी श्रुत उनकी भक्त मंडली जैसे अब सतगुरु जी बैठे हैं और उनके सेवक जो है उनके इर्द गिर्द बैठ गए। किसी तरह सारे नारदीय हनुमान अंगद वगैरह भगवान के एक गुरु बैठे महाराज नारलीला करते हैं। दो काम है, एक है चरित्र और एक है लीला। राम चरित्र है और कृष्ण लीला। चरित्र में और लीला में बड़ा फर्क है, ये कभी फिर पता चलेगा। महाराज धर्म का चरित्र एक है संजार और एक है निर्माण। निर्माण में और संजार में बड़ा फर्क होता है। इस बार कभी फिर अर्थ राम जी बैठे हैं, श्री राम बैठे समुन्द्र के किनारे, हनुमान अंगद नाल नील सारे खुशी हो के बचपन दुख ये गुजारे, मुझे एक से एक बढ़कर हो प्यारे। तराए जो पत्थर तो है राम हूं मैं, कि बुद्ध देखकर आज कुर्बान हूं मैं। बड़े पत्थरों को ये कैसे डरा है, वो पुल क्या बनाया कोई जादू बना है। हर काम में हर तरह ताक हो तुम, बहादुर और लायक हर पाक हो तुम। मारे केंद्रे हनुमान अंगद नाल नील, मैं आपकी साइंस को समझ नहीं सका, समझे हुए भी कहते हैं समझ नहीं सका। साइंसदानों को बनाने वाले कहते हैं कि मैं आपके विज्ञान को समझ नहीं सका। नारदीला जो करते हैं महाराज क्या बात है, मुझे ये बताने की कोशिश करो कि पानी पर पत्थर कैसे तैरा दिए हैं। पत्थर पानी पर नहीं तैर सकता और आपने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया है। नारनील बोले हमारी क्या ताकत महाराज, हमारे में कहां ताकत है, प्रभु आपके नाम की है सदाकत, भला वानरों में कहां ये लियाकत। जो सच पूछिए तो कृपा राम की है, ये सारी सुगत आपके नाम। महाराज हमारे में इतनी विज्ञान कहां से आ गई, हमारे में इतनी बुद्धि कहां से आ गई, हम इतने अकलमंद कहां से बन गए, ये तो आपकी कृपा है। कैसी कृपा हुई मेरी, हम एक पत्थर पर राह देख देते थे और दूसरे पर बाह देख देते थे और वो पानी पर तैरा देते थे, तो आपके नाम की कृपा से पत्थर पानी पर तैरता शुरू है। हम थे प्रभु और छोटा सा पत्थर उठाकर दिया फेंक नल नील को वो दिखाकर क्या डूब पत्थर वो पानी में जाकर। तो बोले प्रभु घंटा धर्म से चलाकर वो क्यों झूठ कहते हो तुम ये सरासर, अगर मेरी शक्ति से फूल ठहरा होता तो छोटा सा पत्थर ना ये तैरा होता। महाराज जी छोटा सा पत्थर उठाते हैं, पकड़कर पानी में फेंक देते हैं, वो पत्थर डूब क्या जाते हैं। महाराज फिर से कहते हो मेरे सामने बैठकर झूठ बोल रहे हो, मैं काहे के लिए दुनिया में आता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में सातवां और आठवां श्लोक लिखा है, उन्होंने लिखा है यदा यदा धर्म से ग्रहण करती भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मन सल्याभं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुर्जितं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं क्यों इसलिए आता हूं, जब जब हो तो धर्म की हानि अने असर अधम अभिमानी, तब तब तार प्रभु मन ज शरीरा हरे कृपा ने दसा जन पीरा। क्या होता है ईरानी धर्म की होती है, क्या जब धर्म की गिलानी होती है तब क्या होता है, ईरानी धर्म की होती है जब अवतार होता है। अवतार किसको कहते हैं, अब कीर्ति इति उतारा, अवतार जो ऊपर से नीचे आता है उसको कहते हैं अवतार। कृष्ण सदा सदा अवतारी रुदा, ये जितने अवतार आते हैं ये भगवान कृष्ण के ही आते हैं। अब धरती की तरफ अवतार जो है ना मान का अवतार, ये भी एक अवतार है, जन्म तार में एक अवतार का अवतर आए कहा तुम्हें ना बेथे और के कई अर्थ निकल जाते हैं। मेरा मतलब सिर्फ कहने को ईरानी धर्म की है जब अवतार होता है, गुनाह का जमाना पाप नहीं संसार होता है,
तो ठोकर से वहां पुरुषों की बेड़ा पार होता है। आया उस वक्त कोई हल्दी और नूर होती है तो पापों की स्याही नूर से पाप ज्यादा हो जाते हैं तब धरती अरदास करती है। बदी नेकी पे आ जाती है जब गालिब जमाने जब नेकी को बदी दबा लेती है, बदी ज्यादा हो जाती है और नेकी कम हो जाती है। बदी नेकी पे आ जाती है जब गालिब जमाने में, बद अपनी फैल जाती है जहां के कारखाने में, जहां के कारखाने यहां बदनम अमी फैली, बदनमी ऐसे फैल गई सुई से तलवार का काम लेना शुरू कर दिया और तलवार से सुई का काम लेना शुरू। ऐसे जब डिसऑर्डर हो जाता है, इस आर्डर जैसा वक्त जाता है तो क्या होता है, बद अमली फैल जाती है जहां के कारखाने में, तरे रहमत का टकराते हैं नारे दाल का होता। तब जो भगवान है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान भगवान ये एक पद्धति है, भगवान ये उनकी स्टेज है। जैसे ये सारे सज्जन बैठे हुए हैं, इनके जो विशेषण है अलग अलग है। सतविंदर सिंह जी प्रधान, प्रीतम सिंह जी प्रधान, रविंदर सिंह हंसपाल एमपी, रेशम सिंह जी सूबा हरियाणा सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी या सूबा या एमपी की जो पद्धति है उस पर आ गया था, दूसरों को कार्य नहीं निकल जाए। तो जो भगवान की पद्धति पर आ जाएगा उसको भगवान कहा जाएगा। भगवान के क्या गुण है, शास्त्र में लिखा है ईश्वर के घट गुण को जान, जाते कैयत है भगवान, यश ऐश्वर जब राग उदार, पूर्ण ज्ञान सो लक्ष्मी धार। जो खट भगवान के संयुक्त है उसको भगवान कहते हैं। जिसमें भी ये छह सिफतें होंगी वो भगवान कहलाने का हकदार हो सकता है। स्वभाव कहने को धरे रहमत पर टकराते हैं नाले रात का, वो भगवान के दरबार में जाकर पुकार करते हैं। उनकी पुकार भगवान के दरबार में सुनी जाती है। तरे रहमत पर टकराते हैं नाले दाल खा रखा होके फलक को घेर देते हैं धुमें से सोज आहू की। सोज आहू है रीबू की आहू है वो आसमान को घेर देती है और भगवान उनकी पुकार सुनकर क्या करता है, थोड़ा सा अपने आसन से नीचे आ जाता है। उधर तो वो ज्योति स्वरूप होता है, जब जमीन पर आ जाता है तो एक इंसानी वजूद धारण कर देता है। वो ऐसा है वहां वो ज्योति स्वरूप है और दुनिया में वो एक इंसानी वजूद है। सिर्फ आया किस लिए है, लोगों की पुकार सुन के, दुखी दर्दमंदों की आह सुन के, उनके दुख दर्द मिटाने के लिए एक मनुष्य। अगर मनुष्य धारण करके जमा धारण करके ना आएगा तो कभी भी संसार के दुख दो दूर नहीं। तो भगवान किसके लिए आता है, भगवान कहते हैं और नलदीप मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, मैं तो धर्म की परिपक्वता के लिए अवतार धारण करता हूँ लेकिन आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। धर्म क्या है आजकल, धर्म को हमने एक खिलौना बना रखा है और जो जो धर्मात्मा पुरुष और अपने आप के बहुत धर्मात्मा कहलाने वाले जो जो वो पत्र दुनिया पर आते हैं उसको मैं कहने से गजित करता हूँ। धर्म क्या चीज है, धर्मात्मा आदमी होकर कभी ज्यादा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। धर्म को पांच अक्षर लगते हैं, डी एच ए आर एम, पांच अक्षर। डी क्या है, डी डिविनिटी, रूहानियत मालूम है, रूहानियत क्या है, लड़ाइयों का तो सबसे आगे रहते हैं लड़ाई करने के लिए लेकिन रूहानियत का पता नहीं। कभी सुबह उठकर अमृत वेला प्रातः काल उठकर स्नान करके समाधि स्थित होके कभी शब्द स्वरूप का मेल भी किया, कभी अपने अंदर थोड़ा विचार करके देखे कि कभी ऐसा किया है। रूहानियत किस बला का नाम है, किससे खाते हैं वो रूहानियत। जब तक किसी रूहानियत को छाने में गुरु के चरणों में न जाओगे तब तक वो रूहानियत कभी आपको फिर नहीं था। जिसके पास अपने पास नहीं रूहानियत को किसी को क्या दे सकता है, जो आप दिया वो दूसरों को सुख कैसे दे सकता है, जो आप सुखा हो किसी को रोटी क्या दे सकता है। जो गुरु है वो आप आनंद है, सचित आनंद है। माया आत्मा और प्राण और तीन चीजें, माया सत है। बहुत सारे छात्रों ने ये भी लिखा है कि दृश्य मान है सर्व में बिना माया असत है, लेकिन विधान उसको सत भाव का है। ये बहुत रमन मजबूत चले जाते हैं, इस बात का अभी कोई ज्यादा विचार नहीं। माया सत है, आत्मा सचित है और परमात्मा सचित आनंद।
वो परमात्मा का रूप ही है गुरु। इसलिए गुरु महाराज ने कहा आनंद भया मेरी माए, मैं भी भाई, ये भाई मुझे आनंद हो गया। क्या आनंद हो गया? फैक्ट्री तक गई, क्या कोई कारखाना खरीद लिया, मोटर कार ले गई, हवाई जहाज ले गया, ये नहीं आनंद। आत्म का आनंद और चीज है, मैं अपनी आंखों से देखे हैं, बिल्कुल नंग तड़ंग जिनके फटे हुए वस्त्र हैं उनकी आत्मा यदि कितनी प्रबल है तो वो बिल्कुल आत्मा आनंद में भगत है। लेकिन बड़े घोड़ों के मालक उनको मैं फिर सुन पा रहा है, ऐसे शोर मचाते हुए रोते हुए और हाहाकार मचाते हुए देख रहा है, लेकिन वो आदमी जिनके पास कौन, वो बिल्कुल अपने मन में आनंद स्थापित नहीं है। जिसके पास अनाथ नहीं वो अनाथ कैसे दे सकता है? अनाथ अनाथ सबको कहा है, कहा से मिलता है अनाथ? वो गुरु से मिलता है। आजकल अनाथ क्या जी, मैंने लेक्चर कर लिया, बहुत आनंद आ गया, वहां जी मैं भोजा पर गया, वो विद्वान की संगत ने इतनी सेवा की, परौंठे खाने को दिए, सब्जियां दी, बहुत कुछ दिया, ये आनंद आ गया होने का, ये क्या आनंद है? ये कोई आनंद नहीं, आनंद है जो आपका आनंद। जब तक ये नहीं हमारा को आएगा तब तक अभी सारे आनंद ठीक है। वो आनंद कहां से मिलेगा? वो आनंद गुरु के चरणों से प्राप्त। सो ठीक भी नहीं तो हानित गुरु के चरणों से प्राप्त। इतने नामदारी बैठे मैं दूसरों को नहीं कहता, मैं नामदारियों से कहूंगा, इतने के वर्ष हो गए हमारे को मारा फेरते और मारे गए किसान दिया और ऐसे तोड़ दिया, बहुत सारा कभी आनंद भी आया और जब की तरफ चले है या नहीं चले, ये बातें ही करते चल रहते हैं। थोड़ा अपने थान सोचना है, हम अलंबर धाय बने हैं दुनिया को, हम दुनिया को कहते हैं कि हमसे सिमरन करते हैं और दुनिया को सिमरन करने की तरह प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब आगे अपना आनंद की प्राप्ति करेंगे दूसरों को क्या हम देता है? सबसे पहले चीज है रूहानियत। मैं एक सबसे पहले प्रार्थना कर रहा कि ये जो मेरे वीर दूर खड़े हैं और ये बैठे हैं, मैं उनसे दोनों हाथ जोड़कर श्रीमद प्रार्थना करता हूँ, अगर यहाँ आ जाओ ह्यूमैनिटी इंसानियत, इंसान वो तो नहीं जो इस शक्ल का है, इंसान है वो जो इंसानों वाले धर्म करता है। एक राजा बाहर शहर को जा रहा है, आगे एक ब्याह पंछियों को पकड़ कर लिया रहा है, तोते पकड़े हैं उसने काफी, उन तोतों में राजा तोता भी पकड़ा गया। जब वो शिकारी सारे तोते लेकर वापस आ गया, सामने से राजा आ रहा है, आपस में उनका वार्तालाप होना पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी, इंसान इंसान ही है, इंसान अफ्रीका करेगा इंसान रहेगा, इंसान इंग्लैंड चला जाएगा इंसान रहेगा, इंसान न्यूजीलैंड चला जाए वहां भी इंसान ही रहेगा, तोता गधा जो है वो कहां भी चला गया वहां भी खुदा ही है। उनमें जो राजा तोता था उसकी पर्सनैलिटी लेकर वो राजा बहुत हो गया, कहता है वो शिकारी हाँ ये तोता क्या ये तोते बेच दोगे? हाँ बेच चुका, अरे मैं सारे तो नहीं लेना चाहता, मैं ये एक तोता नहीं लेता, ले लो क्या कीमत है इसकी? कहते हैं तोते से पूछ लो कि इसकी कीमत है क्या, वो बताएगा मेरी क्या कीमत। तोते से पूछा अरे तोते तेरी क्या कीमत है? कहता काय को पूछता है, मैं तुझे खरीदना चाहता हूं। कहता मुझे खरीद कर क्या करेगा, छोड़ो इस बात को राजा, जाओ अपना काम। कहता नहीं मेरा मन वहां पर चला गया इसलिए मैं आपको खरीदना चाहता, बताओ। कहता जरूर खरीदना चल, हाँ अब अगर खरीदना चाहता तो मेरी कीमत है 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया उस तोता जो चार आने को मिल जाता है 1,00,000। हाँ 1,00,000 रुपया। अच्छा तोते मैं तो राजा हूं, मैं आपको खरीद सकता, 1,00,000 भी दे सकता, गरीब तो नहीं खरीद सकता, सर गरीब तो खरीद नहीं सकता, मुझे राजे भी कोई कोई खरीद देगा। किसी के पास बहुत धन होता है लेकिन वो शून्य पर्दे दर्जे के, किसी के पास धन भी नहीं होता वो फिर भी बादशाह, वही खरीदेगा जो जानी पुरुष है, जो माया को पुरार जितना लाइए
उधार जितियों में आंख लगाएगा कुछ मुझे खरीदा। अच्छा 1,00,000, हाँ अच्छे तो है, मैं आपको खरीद लेता हूँ 1,00,000 रुपया देकर, पर पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या करोगे। मैं खरीद तो लूंगा आपको, पर आप क्या करोगे। कहता मैं बड़ा भारी काम करूंगा। क्या काम करोगे। कहता है राजन मुझे खरीद ले, मैं तुझे इंसान बना दूंगा, मैं तुझे इंसान बना दूंगा। राजा कहता है इंसान तो एक तरफ रहा, मैं तो राजा हूँ, मैं राजा ही हो रहा, इंसान तो नहीं ना। आजकल किसी से पूछा जाए ना, आप कौन हो कि मैं नामधारी, आप कौन हो कि मैं तरंकारी, आप कौन हो मैं जी साहिबधारी हूँ, आप कौन हो कि मैं निहंग सिंह हूँ, आप कौन हो कि मैं राधा स्वामी हूँ। कभी किसी ने मुझे को ये नहीं मुझको देखा, मैं इंसान हूँ बस, ऐसे बने इंसान को ही कोई होता होगा। इंसान बनना बड़ा मुश्किल, इंसान बनो करतूत पशु की मांस जा, हम इंसान है लेकिन कर्म पशुओं वाले, पशु के क्या कर्म। ये शमनविद्य पशु के 3 कर्म है शास्त्र में लिखे, मांस पक्षन सोरा पान मूर्ख चक्र में बढ़ता पशु विपुर कारी भारत क्रांति की वेदी। 3 पशु के गुण क्या क्या, मांस पक्षन मांस खाने वाला, सुरापान शराब पीने वाला, मूर्ख अक्षर में बजता वो इंसान जो एक अक्षर भी जानता। मांस खाना शराब पीना एक बहुत बड़ा वज्र पाप है संसार। हिंदुओं तमाम जितने भी धर्म शास्त्र है उनका ध्यान करने से हमें मालूम होगा कि इंसान, देखो सोचने की बात है कि गधा है गधा, गधे का क्या धर्म है। वो शराब नहीं पीता, कभी देखा है गधे को शराब पीता, देखा है बोल दो, नहीं देखा। कभी कभी गधे को मांस खाते देखा है, नहीं देखा। आप एक रोटी में चपाती में मांस थोड़ा सा लपेट कर गधे के मुंह में डालो फिर भी नहीं खाएगा, अगर छुपा कर उसके मुंह में डालने की कोशिश करो तो फिर भी नहीं खाएगा। लेकिन हम फसा कर आते हुए गुरु ग्रंथ कुमार नमस्कार करते हुए गीता को मानने वाले इंसान बनकर फिर गए तो हम पक्का हो। कदा शराब नहीं पीता लेकिन इतनी दिन लंबी दाढ़ी रखने वाले, गल में माला डालने वाले, कछहरे डालने वाले, कृपाणी डालने वाले, यज्ञ भी धारण करने वाले, माथे में तिलक लगाने वाले को मैं शराब और मांस खाते देखे वो तो गधे से भी बढ़ता। और ये जो लोग कहते हैं ना ये आदमी तो गधे की तरह है, कभी ना सुन को कभी ऐसे इंसान को कभी किसी इंसान को ये कहो ये तो पशु। अगर पशुओं को पता लग गया तो वहां पर दावा दायर कर देंगे और 6 साल की कैद होगी, थोड़ी भी नहीं। इसलिए वो कहेंगे वो देखो हम अपना धर्म त्याग नहीं जागते, वो ये जो धर्महीन इंसान है इसको हमारे साथ मिलाता है। पशु कहते हैं धर्महीन इंसान को हमारे साथ मिलाता है। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने को इंसान बनो, मैं माफ रखना गुस्ताखी है, मैं कहना बेशक किसी गुरु को ना मानो लेकिन इंसान बन जो तुम मैं सारे गुरु मानता, और गुरु को मानता क्रूरता झूठ फरेब मांस शराब चोरी जारी ठगी करता है, क्या गुरु को मानता, क्या है गुरु को वो मानता जो इन व्यसनों से दूर नहीं होता। तो मैंने ली इंसानियत इंसान को DHA आस्टेरिक हम साथी बहुत ही नामधारियों में बड़ी साथी थी अपनी ही रही, अब सिर्फ सफेद पत्र हैं साथ की कोई नहीं नाम का साथ की और चीज है सफेद पत्र पहनना बहुत आस्टेरिक साथ और राइट सच बोल नहीं सत्य सम बात नहीं असत सम बात कपुंजा ये सम हो है के कोट कपुंजा सत्य मूल सब सुकृत सुहाई वेद पुराण विनति मुनि गाई। कड़ा लगा दिया खेत मत भी पूरा असत बन गया, असत भी झूठ नहीं असत संपात को पूजा, असत के बराबर झूठ के बराबर
हजारा पाप भी जो है वो नहीं समझो। मिसाल देते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कीर्तन हो ही नहीं कोठ घुसा, इस तरह पहाड़ हो एक पास लाखों रत्नियां हो लेकर उसके बराबर वो नहीं। जो सच बोलने वाला है वो पाप कर ही नहीं सकता। जब एक दफा किसी की चीज चुराएगा रखेगा, आपने मेरी चीज चुराई, आज चुराई है फिर चुराई है फिर चुराई, वो कितनी भी दोगे आखिर वो इससे जरूरी से सच जो है ना सत्य वेद कहते अपने इखलाक की तरफ। हमारा इखलाक क्या, हम कहां खड़े हैं, क्या करते हैं इंसान होकर इखलाकी जिंदगी के ही किसी की होती है, तो इसको कहते हैं धर्म। धर्म दो प्रकार है शास्त्र में, साधारण और कट्टर धर्म। एक वो धर्म है जो स्थापी का एकत्र एक धर्म है, और एक वो धर्म है जो हर का अलग अलग धर्म है। तो कौन कौन से गुरु महाराज जी वाणी में लिखते हैं, कहते हैं योग शब्दम ज्ञान शब्द। जो योगी है उनका क्या शब्द है, शब्द मीन धर्म, उनका क्या शब्द है ज्ञान की प्राप्ति करें। वो ज्ञान प्राप्ति हर एक करनी हर एक इंसान के लिए जरूरी है, नहीं तो ज्ञान है ना मुक्ति, ज्ञान के विहून इंसान को कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान कहाँ मिलता है, इसमें सेवा से मन निर्मल हो जाए, पहले सेवा करो, सेवा करने से मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल हृदय बस है नाम, निर्मल हृदय में नाम का वास हो जाएगा, और नाम जपने से ज्ञान होए, नाम जप जपेंगे नाम का स्मरण करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान मोक्ष को पसंद, जब ज्ञान हो जाएगा फिर मोक्ष हो जाएगा, ईश्वर किसे भेद बता। योग शब्द ज्ञान शब्द, वेद शब्द ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वेद पाठ करना। ओम शनो देवी हमने किया। आजकल ब्राह्मणों का क्या देखते हैं, तो सिगरेट बड़ी पीती है, धूम्र पान करते बेटा, दान राजा दादा भंग जाती ब्रह्म काम सूत्रा। जो धूम्र पान करने वाले ब्राह्मण को दान देता है वो दाता दर्शन को जाएगा, और ब्राह्मण होकर जो हुक्का तंबाकू पीता है सिगरेट पीता है वो सूर की जूनी पर, और सूर भी वो जंगल का नहीं बनेगा, गांव का बनेगा, जो सफाई में भी करेगा वो खर क्रोध का काम ही नाश किया जाएगा। ये पीना ना पीना आपकी मर्जी है, ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा ब्राह्मण के घर का जन्म है, और मेरे विद्यागुरु भी ब्राह्मण ही है, श्रीमान पंडित जगत सिंह महाराज, मेरे विद्यागुरु भी ब्राह्मण है, और मैं भी ब्राह्मण की कुल में, तो इसलिए ब्राह्मण के छह कर्म है, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना, विद्या ध्यान करना। मेरा मतलब सिर्फ कहें तो ब्राह्मण साधु धर्म ब्रह्म कर्म जय पूछना, तो कबीर जो ब्रह्म बिचारे सो ब्राह्मण के ये था। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने से ये था कि हम अपने इंसान तब इंसान बनता है। मैं उस दिन एक छोटी सी अर्थ की थी जहां की चीज था, एक दिन कि कैट इज अ कैट, टाइगर इज अ टाइगर, बट मैन इज नॉट ए मैन, बिल्ली बिल्ली है शेर शेर है, लेकिन इंसान इंसान नहीं, शेर नहीं अपना धर्म त्यागता लेकिन इंसान अपना धर्म त्यागता। इसलिए धर्म जो है जिसमें ये पांच सिफात हैं, ये पांच गुण हैं, वो धर्मात्मा कहलाने का हकदार है। पाप केस रखता है या नहीं रखता, वो पिछड़ा पहनता है या नहीं पहनता, जिसने ये पांच सिद्धि है वो धर्मात्मा कहलाने का। इसलिए भगवान कह रहे हैं अरे नाजी मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, मैं तो धर्म की प्रसन्नता के लिए काम करता हूं।
थोड़ा सा बात बोल रहा है, कोई ऐसा नौजवान पुरुष है उनको बंद करेगा, वो मेरी माँ से दूर है थोड़ा, हम लोग वहां निशाना कर दिया जहाँ समझे वो मेरी हजूर से दूर है। तो मुझे ये भी मालूम है कि एवरी मैन की कैन यूज होम ड्यूटी बेल, सारी जिंदगी ऐसे बच्चे को चुप कराते हुए निकल गया लेकिन वो दूर है चुप नहीं कर। नालदी सोच में पड़ गई,
भगवान के सम्मुख हुए। महाराज हम वर मांगने के लिए आए। महाराज जी नाली कहते महाराज चुप कर रहे हो, क्या बात है? कहते हैं चुप इसलिए किया कि मैं अपना प्रोग्राम देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है, कोई अर्थ करता है गुरु महाराज जी के चरणों में हमारे चरण डालो या हमारे घर शंकर करो। तो वो कहते हैं अभी ठहर जाओ, सत्येंद्र सिंह से पूछ लेने दो कि कहाँ कहाँ जाना है, अगर कोई टाइम हुआ तो फिर आपको भी दे दिया। मैं अपना प्रोग्राम देख लूँ कि कहाँ कहाँ बाल आना है और आपकी प्रार्थना। अच्छा महाराज, फिर हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे कुल में आप अवतीर्ण हो, अवतार धारण करो। मैं कल युग में आपकी कुल में अवतार था। महाराज हमें कैसे पता होगा? कहते हैं निशानी भी बताता, कुल भी बताता, नाम भी बताता। क्या निशानी? सिर पर कैसे कंठे मारा, तीन दिन को हुए रखवाला निशानी। और नाम क्या? योग सप्तम ज्ञान सप्तम, वेद सप्तम ब्राह्मण।
गरीब की मदद करनी यूनिवर्सल धर्म है। ये ऐसे धर्म है जो सारे संसार के धर्म है, लेकिन अलग अलग भी अपने अपना मतलब अलग अलग धर्म है। सो मैं आपके सामने ए बाबू जी ए श्रीमान जी आने को बुलाया जा रहा है, इनको बुलाना तो जा रहे हैं भाई। बिकू भाई ए एक बात समझा बाबू जी, जरा दो आ जाओ, दो आ जाओ, आप भी आ जाइए। मांडव ऋषि नेत्रों की छेद बिछाए
जंगल में रहा करते थे। एक दिन उधर से गुजरी जो पति देव को लेकर, तो तपसी को लगी अंधे के पांव की ठोक। जब वो अपने पति को शीश पर उठाए भी जा रही थी, जो उसका चरण उससे चूकने के बाहर लटक रहा था, वो उस पत्नी को जाकर ठुकराया। जब से पत्नी को उसका चरण ठुकराया, जग के ही कदम छुटा जो ध्यान प्रभु का, तपसी ने क्रोध से अंधे के तरफ जब उसको ठोकर लगी, उसका जो कनेक्शन थी भगवान के साथ, वृद्धि जो लगी हुई थी उस गुरु में था, उधर से हट गई। नेत्र वाले ने क्या देखा कि किसी इंसान का पांव उससे ठुकरा, गुस्से में आ गया, पानी में आग लग गई। कहता, अपमान का बदला तुझसे यदि लेता हूँ, अपने तमाम पद से तुझे शाप दे देता हूँ। ऋषियों के नवेंद्र का बना है स्वभाव, तू उसूर जो होगा मर जाएगा। तब कहता, मुझे शिव का निरादर किया है, मुझे पांव से ठोक लगाई है, मैं अपने सबों पर से तुझे शाप देता हूँ कि जब सूर्य उदय होगा तेरा विनाश हो जाएगा, तू मर जाएगा। पहली बार किसी ने ऐसे लगभग अपने कानों को सुने, हथरा गई। क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे सिर से पति का साया चले जाएगा, मैं सिर से नगर हो जाऊंगी। आजकल बाजार में देखने में आया, बहुत ज्यादा बीबियां, बहुत ज्यादा भैरें सिर से नगर नहीं फिरती चलती। एक दिन बाजार में देखी जो चंद औरतें, अकबर उनको देख के जमीन में गड़ गया, पूछा तुम्हारे सर का पदर पता कदर किधर गया, बोली के वे तो कदर था मर्दों की पत्नी। लड़की नौजवान आ रही थी, पर्दा लेना तो फिर दरकिनार केसों को भी ऐसे कर दिया जाए, जंतरमैन बनना चाहती। उन्होंने देखा कि इनके सिर पर पर्दा कर हमारे सिर से उड़कर इंसानों की अकल पर जा पड़ा है, हमारे सिर से उड़कर पर्दा इंसानों की अकल पर जा पड़ा, वो खुद हमें सिनेमा ले ले जाते हैं, ये काम करने को हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी सभ्यता नहीं है। अभी देख सकते हो हमारे माता में और बहने जो नामदारी है उसमें बैठी है, वो कैसे सुनकर शिशि के शाप को वो भिल बला उठी, लुटता सुहाग देकर वो थरथरा उठी, पांव पड़ी ऋषि को कहो कैसा दोष है, ठोकर तो लगी उनकी पर उनका क्या दोष है, ये बतवा ना दीजिए अज्ञान के लिए, मुझको ही माफ कीजिए भगवान के लिए। महाराज मेरे पति का त्याग से वो लूटा वो लगता है, अगर मैं दो कदम आपसे एक तरफ बोलता निकल जाती तो उसका पांव आपसे ना टूटा था, इसलिए अज्ञान के लिए ऐसा काम मत। वो तपस्वी था, उसको अहंकार था, तपस्या था, वो उसका टेम्परेचर आगे से भी हाई हो गया। बस साधु सचिव को बेशऊर नखार जाती है, तुम आंखों से होता तू मेरा चली जा, आंखों से मेरा ख्याल जाती है तो चली जा, नहीं तो तुमको भी तेरे पति को भी दोनों को पति भूलता। उसकी मन में विचार करती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस ऋषि ने मेरी बातों से नहीं माना, अब मैं भी अपना बालिश को देखा। हाँ देखो साधु, तुझको तो अपनी भक्ति का नाल है, अगर मेरे में शक्ति हुई तो मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। बेनूर हुआ सूरज, ये पद्म प्राण की साखी दिखी, अगर किसी स्त्री को शंका वो सूर्य प्रकाश में पड़ने जो मैं बैनूर हुआ सूरज, उदय होने से घबराया, दुनिया में अंधेरा था परलय का समय आया,
सूरज नहीं उदा होता अंधकार सुप्रभु न सोया राजा रंग धूल अंधेरे 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 में अपनी रखी चीजों से ठोकर खाकर इंसान गिर पड़ता है अपने धान करवा लेता बगैर प्रकाश के कभी किसी को सुख की प्राप्ति और प्रकाश के बगैर अंधेरा दूर नहीं होता प्रकाश से ही अंधेरा दूर होता है अगर कोई ये कहे कि प्रकाश से भी अंधेरा दूर होता है इसका मतलब है तो और चीज है जिसे नहीं भी गलत है लेकिन प्रकाश से ही अंधेरा दूर जितना जितना प्रकाश होगा अंधकार बहुत होगी दुखी होगी सारा संसार दुखी दुखित पर यह बात आकाश मार्ग देवताओं के कानों में उन्होंने बड़ी बड़ी एक मीटिंग के करते बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु जन बुलाए और उनको विनती की कि बताओ मात लोग से हमारे कानों में दुखी आवाज क्यों आ रही उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा ये मालूम किया कि कौशिकी नाम एक स्त्री सूरज को उदय होने नहीं देती इसलिए संसार में हर इंसान को ला रहा है दुखी आप क्या किया जाए भगवान राम वनवास जाते वक्त गए थे और अत्रि मुनि ने उन्हें एक ऐसा शब्द दिया था एक मंत्र दिया था क्यों राम जो था वो महाराज ने वाणी लिखते हुए लिखा है रामन होते सुरंकना जिन सिर दीने काट ब्राह्मण सिर काटकर फिर लगा सकता था लेकिन राम जी को अगस्त मुनि जी को पता था कि रामचंद्र जी का युद्ध होना है रावण से इसलिए उन्होंने ऐसा मंत्र उसको सिखाया कि ये मंत्र पढ़कर जिसका सिर काटोगे वो फिर कभी फेर लगेगा नहीं भाई तो लड़के राम लगन इस झंडे तो बनते आए हैं वो थांगे एक सीता नामी वो कुमारी नारी लाए हैं आके है और लड़ाके हैं जैसे शमशीर उन्हीं की है क्यों पंच बटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है राधे श्याम की जो रामायण है उसकी पंच बटी जिसमें पांच पट रखते और गोलाकार थे जिसको जो शीर्षनाग सरकार पर उगे हुए थे और राम जी ने उसकी सिरी पर पैर रखा जब वो सीधे होकर राम एक तीर से उनको जा भेजा था वो पता लगा कि बाजी कहां का है हर मेरा वकील सुनते हैं अनसुआ को भेजा अनसुआ आई अनसुआ के बाद में एक मिनट अनसुआ बहुत अति दर में पूछी एक समय का जिक्र है कि घूमते घूमते नारद जी आ गए नारद कौन है नारद का पता है कौन नारद उसको कहते हैं नारद जिसकी बात रद्दी न जाए जिसकी बात ताली न जाए उसको कहते हैं नारद और एक नारद हर एक गांव में हर एक शहर में रहता वो कौन है वो चुगलखोर को भी नारद कहते हैं जो किधर किधर लगाता है किधर किधर लगाता है उसको ऐसे नारद से बच कर रहना चाहिए वो बहुत नुकसान का है अपने अपने सजनों सज्जन अपने जो आपके सज्जन देखो तुम्हारा जो नारद से और एक नारद वाला जो भगवान का आनंद भगत है ब्रह्मा जी का घूमते घूमते नारद जी आ गए एक ब्रह्मानी सरस्वती और लक्ष्मी इन्होंने लड्डू बनाए लड्डू बनाए और कहते आओ नारद आपको लड्डू आओ नारद जी आपको लड्डू खिलाए लाओ नारद जी ने लड्डू खाया थैंक यू कहीं आगे हसद हो गया उनके मन हसद हमारे से भी आ गया हाँ रात को तीनों के पति ब्रह्मा विष्णु महेश जब घर में आए महाराज तेरा का पति तो कहते हैं आपने इतने क्या लेना है छोड़ो इस बात को घर का काम करो कैसी सुंदर जिंदगी बतीत कर रहे हैं
फट किया त्रियाल वो है वो फट कर बोल रहे आखिर वो मान गए और तीनों साधु बन के अपनी मुनि के आश्रम पर चले गए और इतिहास में लिखा है कि उसके आश्रम के सामने बाहर एक फटका था वहां जाकर आवाज दी घर वाले सजनों भिक्षा भिक्षा मांग माता जी बाहर आए सुबह जी भिक्षा देने के लिए भिक्षा दी तो जो स्वामी कहते हैं देखो जी ऐसी भिक्षा नहीं देगी कैसे लोगे लगन होगा भिक्षा दो लगन हो उन पतिव्रता स्त्री का धर्म है पर पुरुष के सामने लगन कहती है दिल में गलती से चुकी फिर नहीं साथ वो नहीं 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 गलती से नहीं कहा हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ कहा है भिक्षा दो नगन होकर नहीं तो आपको श्राप देगा पश्चिमी भूत का भी तो दिल में कहती है तो संबंध इरादा करके आए हैं क्या हमने विचार करती है मैं क्या करूं अगर इनको भिक्षा नहीं देती तो ये तो श्राप देंगे और नगन होकर भिक्षा देती हूँ तो मेरा पति मेरा धर्म एक समय का जिक्र है कि राजा भोज अपनी नगरी में कष्ट कर रहा था आजकल की तरह राज नहीं थे पुराने राजे थे राजा बोल अपनी नगरी की कष्ट कर रहा है हर एक दरवाजे के सामने ठहर कर सुनता है कि किसी घर से दुखद परिवार तो मेरे कानों में नहीं आ रही चलते चलते आधी रात का समय है क्या देखता है एक घर में एक स्त्री है एक उसका पति है एक उसका लड़का है हवन हो रहा है पति सो गया है स्त्री ने अपने पति का सिर उठाकर अपने यहाँ जंग पर रखा हुआ है और बच्चा जो है और इधर उधर खेल रहा है और अग्नि जो है आकर करते होते इधर जा बच्चा इधर जाते हो करते करता वो बच्चा अग्नि की ओर जाता अग्नि में गिरने को तैयार हो वो स्त्री मन में विचार करती है अगर मैं बच्चे को पकड़ती हूँ तो मेरे पति की नींद जो है खराब हो जाएगी पति का धर्म में फर्क पड़ जाएगा अगर बच्चे को नहीं पकड़ती तो बच्चा सड़कर मर जाएगा यो चल जाएगा ये क्या बना मैं आप क्या करें मन में विचार करती है कि अगर मैं पति का धर्म में कायम रही तो आसमान में चंद्रता की तरह चमकूंगी और अगर मैंने पति के धर्म को गलांजलि दे दी पुत्र प्राप्त को अपनाया तो मैं दुनिया के जो तिरके हैं उनके साथ मिल जाऊंगी तो सब अगर मैं अपने पति के धर्म में कायम हूँ तो मेरे पुत्र को अग्नि जलाना महाकवि कालिदास जी भी शोक शक्ति वो हम संस्कृत भी अपने मन में विचार करती है कि मैं अगर पतिव्रत धर्म में गायन हूं तो मैं और एक ढंग निकाल क्या ढंग निकाल दिया कहती है हे भगवान अगर मैं अपने पतिव्रत धर्म में गायन हूं तो मैं ये तीन साधु है इन पर जल का जल लाकर थोड़ा सा छिड़का दूं और ये पांच पांच साल के बच्चे बन जाए जब उन्होंने थोड़ा सा जल लिया तो बच्चों पर फेंका तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही पांच पांच साल के बच्चे बन गए जब बच्चे बढ़ गए तो पांच साल के बच्चे से माता को बता देने की चीज क्या जरूरत है उनको भिक्षा लेनी भूल के वो इधर उधर दौड़ने लग गए खेलते हैं छह महीने गुजर गए वो तीनों बैठकर विचार करते हैं कहाँ गए हमारे पति कभी नारद आए तो उनसे पूछिए कहाँ गए आ जाओ महाराज आ गए थे यहाँ तो नहीं आए सभी देखते मैं वैसे नारद जी आ गए आओ जी नारद जी आ गए आ गए हमारे पति कहाँ है यहाँ तो नहीं मेरी जेब में तो नहीं है
मैं कहां हूं मैं हमारे पति मैं क्या जानूं आपको मालूम है लेकिन हां हां कहां है वो त्रिमुनि के आश्रम पर तीनों बच्चे बड़े खेल रहे हैं हाँ बैठे क्या अब क्या होगा जाओ उनसे भिक्षा मांग कर उनको लाओ बड़े गुना पूरा गया अगर एक साल हिंदी में लेक्चर करूँ तो ये क्या बड़ी बात है मैं भी लेक्चर करता हूँ कई साल के बाद आप वो तीनों देवियां अत्रि आश्रम के पर चली गई देखती क्या है कोई इधर को दौड़ जाता है कोई इधर को कहने वो हमारे तीनों पति हैं वो उसकी तरफ देखते नहीं इतने में अत्रि मुनि जी आ गए नमस्कार जी बैठ गए अत्रि मुनि जी कहते हैं ये क्या बात है ये छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी स्त्रियां कहां से आ गई महाराज ये तीन बच्चे हैं ये तीन इसकी तीन की स्त्रियां हैं छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी स्त्री हाँ महाराज हमारा क्या लगता है कि आप इनको पाल पोस लेंगे बड़ा कर लेंगे हमारे सिर का बाहर उतारा गया असली बात बताओ क्या है महाराज बताओ मैं क्या बताऊं ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे अब ये ऐसे भाभी बन गए हैं ओ देखो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है इनको छुट्टी दीजिए वे अपने अपने आप महाराज मैं नहीं छुट्टी दे सकता छुट्टी देगा अब आप छुट्टी कैसे मैंने अपने पति का धर्म की शक्ति से इनको बच्चे बना दिया है अब आप अपने स्त्री का धर्म की शक्ति से इनको फिर साधु बना अगर स्त्री का कोई धर्म है तो हमारा भी इंसानों का भी धर्म है इसी राशि जब बाली के होता है युद्ध बाली को मारते हैं और हम तुलसी राशि देखते हैं बाली जी कहते हैं अनज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ ए कन्या समचारी इन्हें को दृष्टि विलोक जोई आगे बदे ने पाप न होई भगवान आप मुझे धाके में पत्थर के लिए पाप दिया मैं तो आपका दुश्मन और सुभी सुभी करा मुझे काय शिकार में तरह मारा कहते हैं देखो भाभी आने की भदू छोटे भाई की स्त्री रगड़ी भैं सुत नारी लड़के की स्त्री और कन्या ये चारों एक बराबर हैं इनको जो दृष्टि करके देख रहा है उसको पार देने का कोई मुसलमानों में लिखा है हजरत मोहम्मद साहब उसके बाद चार खलीफे हुए हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत बकर और हजरत चार खलीफे हुए अबू सईद का हजरत उस्मान का लड़का था अबू सईद हजरत उस्मान को पता लगा कि मेरे बच्चे कुरान शरीफ में ये लिखा है कि जो मेरा मरीद होकर जना करता है उसको सौ कोड़ा सजा चाहिए जब अबू सईद के उस्मान के सामने ये शिकायत आई उन्होंने विचार किया कि मैं अपने बच्चे से बयान कर दूं पता लगा कि इसने जरूर ये को कर दिया उस वक्त उन्होंने क्या किया बोले जाओ इसको सौ कोड़ा मारो जगह में ले गए जब 75 कोड़े मारे तो अबू सईद बन गए उसको कलम पकड़ा आई वापस आ गए उस्मान जी पूछते हैं मेरे बच्चे का क्या हाल है कहते हैं जी 75 कोड़े लगाए वो मर गया आ गए हम बाकी नहीं लगाए कहते रहे नहीं 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 इसमें छोड़ नहीं क्या बाकी के कोड़े उसकी कब्र पर लगा दिए कठिन आदेश हमारे लिए क्या पाप
पर दिया मात दिया अग्नि लिखिया करे भैया हित हेर गया हिया ना चढ़ाने थे पाता परम शरणार्थ के शरीर से हरण अरण दिख मरण को छाने थे ताकि गुरु सा पूरा गुरु के सार पर निज करे नी को नी को नाहकार खाने थे नाम के जो भैया देख देख के चले जा हर ध्यान दे रही असम छाने ना हर स्त्री अपने घर में रहने वाला इंसान धराचारी हुआ करता है एक त्रयारुण राजा हुआ है त्रयारुण नाम याद रखे त्रयारुण उसका पुत्र हुआ है सत्यव्रत उसने किसी की स्त्री अपने घर में उसके बाप ने उसको श्राप दे दिया जाओ चंडालों के साथ मिल जाओ वो चंडालों के साथ मिलकर उसकी चंडालों से जैसी बुद्धि हो गई और उसने फिर विशिष्ट जी की गऊ मारी विशिष्ट जी को गाय को मारकर आप भी खाया खा गया और विशिष्ट जी के पुत्रों को खिला जब शिष्य जी को पता लगा उन्होंने कहा देखो आप बहुत दुराचारी हो एक तो आपने पहले अपने किसी की स्त्री अपने ग्रह में रखी दूसरे अपने पिता की अपने पिता की अवज्ञा की और आपने दूसरे एक गौ मारकर आप भी खाई और मेरे बच्चों को भी खाई इसलिए आपने तीन पाप किए इसलिए आपका नाम त्रिशंकू है और उसका नाम बड़ा त्रिशंकू जो राजा हुआ है बाद में विश्वामित्र जी एक बार बहुत काल पड़ गया था और त्रिशंकु ने विश्वामित्र की मदद की उसकी सेवा की और विश्वामित्र जी ने उस बार खुशी होकर उसके पाप को दूर करके फिर उसके पिता का राज दिया वो त्रिशंकु आया उसके घर फिर हरिचंद्र राजा योद्धा सतवादी और दानी तो मेरा मतलब सिर्फ कहने के लिए ये था कि आगे एक मजमूना है जो अभी मैं यहाँ समाप्त करते हैं सैनिकों में डाल देता हूँ फिर कभी वक्त मिलेगा तो फिर कभी बाकी की अर्ज करूँगा अभी तो बाकी रहता है मेरा मजमू कि आगे कैसे कैसे चलना है तब श्री अकाल कल तो जो होगा कोई नहीं डाल दें जाओ लोगों घर को आपने श्रीमान पंडित जी पंडित गोपाल सिंह जी से धर्म चर्चा सुनी है अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ली है आप लोगों का बहुत धन्यवाद है इसी धर्म पर उर्दू के मशहूर शायर अकबर अलाहाबादी ने एक नज़्म लिखी थी खुदा का नाम रोशन है खुदा का नाम प्यारा है दिलों को इससे कुव्वत है जुबानों को सहारा है उसी के हुक्म से है रात दिन की ये कमी बेशी उसी के हुक्म ताते ही फलक पर हर सितारा है उसी के इंतजाम व हुक्म से मौसम बदलते हैं वही है वक्त पर जिसने हवाओं को उबारा है उसी के हुक्म से फल और गले की है पैदाइश जमीन पर बदलियों से उसने पानी को उतारा है ये जब तक सांस चलती है समझते हैं हम ही हम हैं अजल जब सर पर आ पहुंची तो फिर क्या बस हमारा है अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे बड़े दर्जे समझ लो इम्तहान ये दारे फानी में तुम्हारा है बुजुर्गों का अदब अल्लाह का डर शर्म आंखों में इन्हीं औसाफ की निस्बत मजाहिब में इशारा है सो ये धर्मों में जो बात कही है वो उन्होंने बताई है तो मैं कल का प्रोग्राम सुबह 4 से 7 बजे अभी आपसे श्री सतवंत सिंह जी पालदे साहब का है कि श्री शुक्ला जी शास्त्री जी जो रोज सुबह और शाम यहाँ आकर दीवान में हाजिरी भरते हैं उनके शुभ विचार हम कुछ अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए नमूने की बात अब श्री शास्त्री जी अपना प्रवचन देंगे 5 मिनट के लिए
सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो बोले यहाँ का एक सूत्र बहुत सुंदर बताया गया है कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। आज मुझे इस बात का बहुत बड़ा आनंद होता है कि यहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य का बड़ा सम्मेलन हो रहा है। सदगुरु जगदीश सिंह जी महाराज की उपस्थिति में यह आयोजन इतना प्रभावशाली, आनंदकारी और प्रेरणादायक है कि जिसका वर्णन हम अपनी वाणी द्वारा नहीं कर सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि महापुरुषों का नाम भी नाम के गुण के साथ आते हैं। हमारे सामने सदगुरु जगदीश सिंह विराजमान है। जगदीश सिंह का अर्थ होता है जगत को जीतने वाला पराक्रमी। जगत को इंसान जीत सकता है, जितम जगत केन मनोहितेन, जगत को कौन जीत सकता है? दुनिया का राजा जगत को जीत सकता नहीं है, मगर जिसने अपना मन को काबू में रखा है, मन पर प्रभाव डाला है और मन पर जीत प्राप्त किया है उसको जगजीत कहा जाता है। ऐसा मन को जीता हुआ पराक्रमशाली सदगुरु हमारे सामने उपस्थित है जिसका वर्णन शास्त्र नहीं कर सकता है। इस दुनिया में गुरु की उपमा कोई नहीं दे सकता है। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर शब्द में बताया है कि दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरु ज्ञान दातु। ज्ञान देने वाले सद्गुरु का सद्गुरु की उपमा इस जगत में नहीं मिल सकती है। यदि कोई कहे कि पारस मणि की उपमा हम देते हैं तो पारस मणि की उपमा सद्गुरु के लिए योग्य नहीं मानी जाती है। स्पर्शक चेत तत्र कल्प सैनदीय हो स्मरणता मश्मसारम। पारस मणि बहुत सुंदर मणि है। लोखंड को स्पर्श करने के बाद लोखंड सुवर्ण हो जाता है तो उसकी उपमा क्यों ना दी जाए गुरु को? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, पारस मणि लोखंड को सुवर्ण बना सकता है मगर लोखंड को पारस मणि नहीं बना सकता। किंतु गुरुदेव अपने शिष्य को गुरु के स्वरूप बना सकता है, इसलिए गुरु अनुपमेय है जिसकी उपमा नहीं दी जाती है। ऐसी गुरु परंपरा को निभाने वाले गुरु के सामने हम अभिवादन करते हैं। गुरु के साथ हम देखते हैं संसार में सच्चा आनंद, संसार में सच्चा सुख कहां है वो गुरुदेव हमें बताते हैं। गुरु परंपरा की आवश्यकता इसलिए मानी जाती है। इस संसार में कोई भी प्रदेश के अंदर वो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे सदगुरु हमारे सामने उपस्थित है और दो दिन से भक्ति ज्ञान वैराग्य का सम्मेलन हम देखते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो संगीत हो रहा है वो भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान द्वारा मिल जाता है। सदगुरु की वाणी से, संतों और पंडितों की वाणी से अपन को ज्ञान मिलता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, यहां बैठे हुए सब संत संसार की भावनाओं को छोड़कर जगत में धर्म का प्रचार करने के लिए यहां आते हैं वो सबसे बड़ा वैराग्य है। संसार का त्याग करना वैराग्य नहीं है, मगर संसार से आसक्ति को निकाल देना वही सच्चा वैराग्य है। वो हम तीनों का सम्मेलन मेला यहां देख सकते हैं। यहां का जिस मनुष्य ने, एक महापुरुष ने बताया है कि जिस मनुष्य ने प्रातः काल के अंदर भक्ति का आनंद प्राप्त किया उस मनुष्य का सारा दिन बहुत सुंदर चला जाता है। यदि आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति
परमात्मा का सानुभव करने वाला सुंदर संगीत का आयोजन सुनना है और परमात्मा के आनंद अंतःकरण के अंदर आपको देखना है, तो प्रातः काल 4 से 7 बजे तक यहाँ सत्संग जो होता है, संगीत होता है, उसका आनंद अपरिमेय है, अनुपमेय है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। हजारों प्रोग्राम स्टेज पर रंग भवन में होते हैं, उसका भी आनंद दूसरा प्रकार का होता है, और यहाँ भी संगीत वही होता है पर उसका आनंद दूसरा प्रकार का है, क्योंकि वो दोनों संगीत के अंदर तफावत है। एक समय अकबर बादशाह संगीत सम्राट तानसेन के साथ झेलम नदी के किनारे पर, जमुना नदी के किनारे पर घूम रहे थे, तो उस समय एक महापुरुष गा रहा था, हरिदास जी उसका आवाज सुना, तानसेन को बोला कि वो कौन गा रहा है, तो मेरे गुरु जी है, तो आपके गुरु जी ने आपको सब सिखाया नहीं है, क्यों? कि उसके और आपके संगीत में तफावत है। बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं आपको समय के अभाव के कारण। तानसेन ने जवाब दिया कि महाराज, गुरु जी ने मुझे सब ज्ञान दे दिया है, जरा भी कसर रखी नहीं है, मुझ में और गुरु में कोई फर्क नहीं है, मेरा फर्क इतना है कि मैं आपको पसंद करने के लिए संगीत की रचना करता हूं और मेरे गुरुदेव राजाओं का राजा परमात्मा को खुश करने के लिए संगीत गा रहा है, इसलिए उसके संगीत के अंदर अलौकिकता दिखती है और आप मेरे संगीत के अंदर आपको लौकिकता दिखती है। कहने का तात्पर्य कि सुबह में यहाँ जो संगीत हो रहा है वो भक्ति का साक्षात स्वरूप है। जो कोई मनुष्य, आप सबको मैं विनंती करता हूं कि एक समय आप आकर देखोगे और श्रवण करोगे तो आपको सुख और दुख दोनों का अनुभव हो जाएगा। सुख का अनुभव होएगा और दुख का अनुभव इसीलिए होगा कि मैंने 2 दिन तक इसका लाभ नहीं लिया, इसलिए आपको दुख भी लगेगा और सुख भी लगेगा। ऐसा संगीत का सुंदर समारोह द्वारा सदगुरु जी धर्म का प्रचार करते हैं और अंतर को शांति देते हैं। शशि तापम संत मंडली है, संसार की भावनाओं को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर, केवल धर्म के प्रचार के लिए विचरण करते हैं, ऐसे संतों से यह भूमि पावन होती है। शशि तापम, चंद्रमा का सहाय होगा तो गर्मी मिट जाएगी, शीतलता प्राप्त होगी। शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा, और कल्पतरु जो है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, इसमें भागवत के अंदर बताया है। तो महाराज कहते हैं कि गंगा के किनारे जाओगे तब आप स्नान करोगे तब पाप का निवारण होगा, मगर संत पुरुष का केवल दर्शन करने से पाप का निवारण हो जाता है, इसलिए संत का महिमा सबसे अलौकिक माना जाता है। गंगा पापम शशि तापम, और चंद्र का दर्शन से संताप दूर हो जाता है, शीतलता प्राप्त होती है, और दैन्यम कल्पतरुस तथा, और कल्पतरु के वृक्ष के नीचे बैठने से दीनता नष्ट हो जाती है, किंतु संत का दर्शन से और तीनों वस्तु का निवारण हो जाता है। ऐसे संत मंडली का जो यहाँ आयोजन किया है, अहोभाग्य तो मैं उसको देता हूं कि जिन्होंने गुरु जी को यहाँ आने का, हमारे सतपन सिंह जी और जो मंडली यहाँ की है, जिन्होंने गुरु जी को यहाँ बुलाए और सबको लाभ दिया, इसका मैं अभिवादन करता हूँ। और अंतिया में मेरे अंतःकरण में विराजमान परमात्मा, और वही परमात्मा सबके अंतर में विराजमान है, धर्म दुनिया में एक है, क्योंकि परमात्मा एक है, कोई धर्म के अंदर तफावत नहीं है, मान्यता के अंदर तफावत है। इस सारी दुनिया के हरेक धर्म अपने प्रदेश और अलग अलग विचारों के द्वारा थोड़ा भिन्न तो प्राप्त करता है, किंतु वास्तव में धर्म एक है, परमात्मा एक है। सत्य कान जो कहते हैं, जो बोले सो निहाल, जिसने इस वाक्य को बोला उसका जीवन कृतार्थ हो गया। क्या कि सत्य कान, उसका अर्थ श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय,
सत एटले अपरिवर्तनशील, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा सत। भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं कि सच्चिद आनंद रूप सत, वहां भी सत शब्द है। चित्त में आनंद और यहां सत श्रीय काल, श्रीयट प्रकाश, श्रीयट सद लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, पैसा पैसा नहीं है, बड़ा विद्या लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी है, इसलिए श्री का अर्थ ज्ञान भी होता है। और यहां श्री सत्री सचित आनंद सत्री अकाल, यहां आनंद शब्द परमात्मा आनंद का सागर है, और आनंद उसी को प्राप्त होता है जो अकाल होता है, जिसको काल की मर्यादा होती है, उसको मरण की भीति होती है, और जहां मरण की भीति है वहां आनंद नष्ट हो जाता है। आनंद सच्चा कहां है कि अकाल के अंदर आनंद प्राप्त होता है, ऐसा सत्य काल। ओ नाम बोलने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, क्यों? सच्चिदानंद रूपाय विषोत्पत्ति आदि हेतु, ये तीनों द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और पालन होता है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तीन प्रकार के ताप का निवारण कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान कृष्ण, कृष्ण का क्या होता है कि भक्तानां दुखानि कर्षति सह कृष्ण, भक्तों का दुख को दूर करने वाला। तो श्रस्त्रिय का नाम जपने से निहाल कृतार्थ हो जाते हैं, और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीनों प्रकार के दुख का निवारण होता है। इसलिए श्रस्त्रिय का जो सूत्र है और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, उसका अर्थ एक होता है, धर्म एक है। मैं आपको वंदन करता हूँ, अधिक समय ले नहीं लेता हूँ, और सद्गुरु के चरण कमल में मेरे विचारों की पुष्पमाला उनके चरण कमल में रख के मैं विराम करता हूँ। हम शास्त्री जी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतने शुभ वचन और इतने संक्षिप्त समय में हमारे